असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़े स्तर पर एक मुहिम चला दी गई है। तमाम गिरफ्तारियां हो रही हैं। कई लोग इस मुहिम के पक्ष में हैं, तो कई लोग अलग अलग वजहों से इसका विरोध भी कर रहे हैं। असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ इस मुहिम के तहत अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में ऐसे विवाह कराने वाले पंडित भी शामिल हैं, मौलवी भी शामिल हैं। पुलिस ने कहा है कि उनके पास करीब 8000 आरोपियों की सूची है और ये अभियान अभी जारी रहेगा। वहीं महिलाओं ने विभिन्न जिलों में इस कदम का ये कहते हुए विरोध भी किया कि उनके सामने अब आजीविका की समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि घर के जो पुरुष हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार का कहना है कि साहब ये मुहिम बाल विवाह के खिलाफ चलाई जा रही है। जो लोग बाल विवाह कराने में शामिल हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है, तो उसमें किसी को समस्या क्यों ही होनी चाहिए। वहीं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF ये असम की एक पार्टी है। इसके अध्यक्ष हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल। इन्होंने कहा है कि बाल विवाह के खिलाफ ये मुहिम चलाकर सरकार अप्रत्यक्ष तरीके से मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। अजमल ने बाल विवाह के खिलाफ मुहिम के तहत असम में की जा रही गिरफ्तारियों पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर निशाना साधा है। अजमल ने कहा कि इन गिरफ्तारियों में 90% लड़के लड़कियां मुस्लिम होंगे। इनका मिजाज मुसलमान विरोधी है, यानी उनका कहना है कि सरकार मुसलमान विरोधी तरीके से काम कर रही है। प्रदेश सरकार को पूरे असम में 30-40 दिन तक अभियान चलाना चाहिए था। मीडिया के जरिए लोगों को बताना चाहिए था, जागरूकता फैलानी चाहिए थी। ऐसे तुरंत गिरफ्तारियां नहीं शुरू कर देनी चाहिए थी, ऐसा बदरुद्दीन अजमल का कहना है। अभी लेकिन सरकार बहुत देर से जगी है। ये काम अगर राउंड द ईयर होता तो आज हजार हजार लोगों को गिरफ्तार कराना पड़ता। प्रशासन सरकार अगर अलर्ट रहती तो इतने केसेस जमा ना होते। देर से ही सही, सरकार जगी है तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हम हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि हम उसको अरुणोदय जो मंथ महीने में 1000 रुपया या 5 किलो चावल का इंतजाम करेंगे। सिर्फ 5 किलो चावल 1000 रुपया से एक फैमिली नहीं चलता। छोटे बच्चों का दवाई का मसला है, कपड़ों का मसला है, शिक्षा का मसला है, और इसका हस्बैंड को गिरफ्तार करके जेल में डालने से फैमिली कैसे चलेगा, ये भी एक मसला है। लोगों को इससे भी सबक लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अभी से कोई भी चाइल्ड मैरिज की तरफ ना जाए, चाइल्ड मैरिज होना नहीं चाहिए। लेकिन जहां ये मसला अभी ये समस्या क्रिएट हो गया, अब इसके एक समाधान भी सरकार को निकलना चाहिए। असम के धुबरी से सांसद बदरुद्दीन अजमल ने यह भी कहा, हमारे मुख्यमंत्री साहब कभी कभी अचानक ख्वाब देखते हैं कि बहुत दिन हो गया मैंने मुसलमानों को नहीं सताया, तो वो नींद से उठते हैं और शुरू कर देते हैं कि किन किन योजनाओं से मुसलमानों को सता सकते हैं। अजमल ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत 2007 में ही बाल विवाह को दंडनीय अपराध बना दिया गया था, लेकिन असम सरकार ने इसे लेकर एक दिन के लिए भी कोई अभियान नहीं चलाया। उन्होंने कहा, अब सरकार गिरफ्तारी कर रही है, पता चलेगा कि इसमें 90% लड़के लड़कियां मुसलमान होंगे। ये एक तरफा गिरफ्तारी करेंगे, ये हमें मालूम है। इनका मिजाज मुसलमान विरोधी है, बीजेपी है, RSS है, इसलिए इनके ऊपर दबाव होगा। बता दें कि असम में राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में फैसला किया था कि 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, और 14 से 18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा। अगर लड़के की उम्र भी 14 साल से कम होगी तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा, क्योंकि नाबालिगों को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ महिलाएं अपने पतियों और बेटों की गिरफ्तारी के विरोध में असम में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रही हैं। मजुली जिले की 55 वर्षीय निरोदा डोले ने कहा कि केवल पुरुषों को ही क्यों पकड़ा जा रहा है, हम और हमारे बच्चे अब कैसे जिएंगे, हमारे पास आय के साधन नहीं बचे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।